और इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मुलायम सिंह यादव लखनऊ पहुंचे हैं और उनका दावा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा। सबसे बड़ी बात इस वक्त मुलायम सिंह यादव ने बोली है कि चुनाव के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव यूपी इलेक्शंस के बाद अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, वो ही पार्टी का चेहरा होंगे। भ्रम हम नहीं फैला रहे, भ्रम फैलाया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। चुनाव के बाद अखिलेश यादव ही होंगे मुख्यमंत्री। पार्टी में छोटी सी भी कोई टूट नहीं, और अगर टूट है उसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे, उसका निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। ये कहना है मुलायम सिंह यादव का, जो दिल्ली के बाद अब लखनऊ पहुंच गए हैं। पार्टी में कोई टूट नहीं, मुलायम सिंह यादव का कहना है। मुलायम के साथ इस वक्त कोई नहीं है, वो अकेले हैं। और ये साफ गोई पहली बार मीडिया में देखने को मिल रही है, जब पहले भी वो कह चुके हैं कि अखिलेश उनका बेटा है। अब बेटे को जो भी करना है वो करेंगे, मैं पिता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अगले चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि पार्टी की एकता के लिए पूरा प्रयास है, और हमारी पार्टी एक है, कोई पार्टी टूटने का सवाल नहीं। तीसरी बात कहा कि पार्टी के प्रचार के लिए हम जल्दी निकलेंगे, उम्मीदवारों के जिताने के लिए, प्रचार के लिए बहुत जल्दी पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मुलायम सिंह यादव राजधानी लखनऊ में हैं। मुलायम सिंह यादव का स्पष्ट पहला बयान, ऐसे समय में जब चुनाव आयोग के पास दोनों खेमा, मुलायम और अखिलेश खेमा पहुंच गया था, चुनाव चिन्ह को लेकर जंग थी, काफी मान मनोबल हुआ, लेकिन बात नहीं बनी, सुलह की कोशिश नाकाम हुई। इन तमाम चीजों के बीच में गुड न्यूज सामने निकल कर आ रही है। मुलायम का ये बयान है कि चुनाव के बाद अखिलेश ही मुख्यमंत्री होंगे। अनुराग, मुलायम हर पल पल अपने बयानों को बदल रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि अखिलेश का भविष्य खराब हो गया, कोई कभी कह रहे हैं कि तीसरा कोई आ गया, कभी वो मान रहे हैं कि वो अखिलेश बहुत अच्छा काम कर चुका है, वो मेरा बेटा है। लेकिन अभी की बात स्पष्टता से मुलायम सिंह यादव ने बोली है कि चुनाव के बाद अखिलेश ही मुख्यमंत्री होंगे। क्या मतलब है इसका? देखिये निहारिका, जो जो मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स समझते हैं उनको शुरुआत से ही ये बात मालूम होती है कि मुलायम सिंह जो शुरू में फैसला लेते हैं अंत तक उस पर कायम रहते हैं, लेकिन बीच बीच में उनके जो बयान हैं वो जरूर लोगों को उलझाने की कोशिश करते हैं। पिछले दो दिनों से अगर हम मुलायम सिंह की बात करें तो वो लगातार अपने बेटे के प्रेम में वो दिखाई दिए, और उनसे पुत्र मोह बिल्कुल भी पूरी तरह से उनके ऊपर हावी दिखाई दिया। और आज भी जब वो दिल्ली में थे तो उन्होंने कहा कि अखिलेश मेरा बेटा है, उसको मैं समझा लूंगा। और अब जिस तरीके से उन्होंने खुलकर बयान दे दिया है लखनऊ में और ये बात कही है कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और वही चुनाव जीतेंगे, और खुद वो कमिश्नरी जा जाकर उनके लिए रैली करेंगे, तो अपने आप में बड़ी खबर है। और इस खबर को दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है निहारिका, क्योंकि मुलायम सिंह यादव इस बात को समझ गए हैं कि 90% से ज्यादा जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी है, तो उनके बेटे ने कब्जा ली है, अब उनके पास कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है। दरअसल जो उनके साथ रहने वाले लोग थे उन्होंने मुलायम सिंह को यह भरोसा दिया था कि आप अपना झंडा बुलंद करिए, करीब 150 से ज्यादा विधायक आपके साथ होंगे, लेकिन उनके बेटे ने अपना जलवा उनको दिखा दिया, पिता का जलवा फीका पड़ गया। तो अब उनकी बात समझ में आई और उनको लगा कि अपने बेटे के साथ ही जाने में भलाई है, तभी उनकी जो बच्चे कुछ इज्जत है वो रह पाएगी। जी नहीं अनुराग, यहाँ पर देखने वाली बात है कि जब मुलायम शिवपाल अमर सिंह के साथ होते हैं उनके बयान दूसरे होते हैं, अभी वो सिर्फ अकेले, तो उन्हें बेटा पुत्र मोह, उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज पर पुत्र मोह था, उनकी भाषा ही यही थी, बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि अखिलेश ही सीएम होगा, अखिलेश ही सीएम होगा। तो क्या जो संगत है, क्या उसका फर्क है कि जब मुलायम दिल्ली में होते तो कुछ और बात कहते हैं, लेकिन लखनऊ में अपने आवास में अकेले होते हैं तो बेटा ही भावी चेहरा और उत्तराधिकारी दिखता है? जी बिल्कुल निहारिका, प्रोफेसर रामगोपाल का मुझे वो बयान कल का याद है, उन्होंने कहा कि जब मुलायम सिंह अकेले होते हैं, दिल्ली में भी अकेले हो चाहे, तो तब वो बिल्कुल सही बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आसुरी शक्ति का आशय उनके बयान से अमर सिंह और शिवपाल यादव था कि जब वो उनके साथ होते हैं तो वो कुछ और कहते हैं, लेकिन जब मुलायम सिंह अकेले होते हैं और खुद अपने मन से सोचते हैं, सब कुछ अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, बिल्कुल उनकी बात सही साबित हुई। दिल्ली में देखिए उन्होंने क्या बोला, और सीधे लखनऊ जाकर वो खुलकर मुख्यमंत्री के पक्ष में आकर यहाँ तक कह दिया कि कमिश्नरी पर जाकर वो उनके पक्ष में रैलियां करेंगे। तो अगर मुलायम अपने इस बयान पर कायम रहते हैं तब तो बिल्कुल माना जाए कि समाजवादी पार्टी को कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन
अहम बात निहारिका यहाँ ये भी है कि एक तरफ तो पुत्र के पूरी तरह से वो अब वर्ष में आ चुके हैं और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पक्ष में वो तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ चुनाव आयोग में झगड़ा चल रहा है, तो अगर खुलकर उन्होंने बोल दिया है तो इसका मतलब तो ये माना जाए कि कल को चुनाव आयोग से वो अपनी जो एप्लीकेशन है वो आप वापस ले लेंगे अगर झगड़ा ही खत्म हो गया है, तो इस बयान को कल तक देखना होगा कि क्या मुलायम बिल्कुल अनुराग इस बयान को भारी तरीके से लिया जाए हल्के में लिया जाए कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अगर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उससे ही सामने पता लग पाएगा, क्योंकि अखिलेश खेमे का रिएक्शन भी इस पर आना बाकी है। ताजा बयान अपने दर्शकों को बता दें मुलायम सिंह यादव का, लखनऊ पहुंचने के बाद एकदम अकेले लखनऊ में मुलायम सिंह यादव, और ये बोल रहे हैं कि पार्टी में कोई टूट नहीं है, भ्रम हम नहीं फैला रहे, दूसरे फैला रहे, लेकिन अखिलेश ही 2017 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री होगा। बार बार मुलायम ने इस बात पर जोर दिया। यह बयान काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग तक दो गुट दो खेमे जा चुके हैं अपने अपने दावे को ठोककर कि भाई चुनाव चिन्ह होने चाहिए। ऐसे में मुलायम का यह बयान अखिलेश खेमे को राहत देने वाला बताया जा रहा है। धन्यवाद अनुराग इस जानकारी को देने के लिए।